बायोडाइवर्सिटी क्या होता है? वैरायटी ऑफ, हाँ वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स, वैरायटी बायो मतलब की लाइफ ऑर्गेनिजम्स उसकी डाइवर्सिटी ना, डिफरेंट वैरायटीज ना, वेरिएशन डिफरेंट टाइप्स, ठीक ना। तो बायोडाइवर्सिटी और उसका कंजर्वेशन हम लोग यही चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं। तो देखो अलग अलग जगह जो है अलग अलग स्पीशीज रहते हैं, अलग काइंड ऑफ स्पीशीज रहते हैं ना, सब स्पीशीज रहते हैं, डिफरेंट काइंड रहते हैं ना, तो वो वैरायटी है हम लोग का ना, वो बायोडाइवर्सिटी है। तो बायोडाइवर्सिटी रेफर्स टू वैरायटी एंड वेरिएबिलिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन अर्थ, अर्थ में। तो ये कौन दिया था, पॉपुलराइज किया था? एडवर्ड विल्सन ने। तीन जो है, एक तो जेनेटिक डाइवर्सिटी है, एक स्पीशीज डाइवर्सिटी है और एक इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी है। जो जेनेटिक डाइवर्सिटी है ना उसको अल्फा डाइवर्सिटी भी बोलते हैं, ठीक। तो जेनेटिक डाइवर्सिटी क्या होता होगा? जीन से रिलेटेड होगा ना, मतलब कि एक स्पीशीज में डिफरेंसेस हो जाती है, हाँ वेरिएशन हो जाता है, तो क्या होता है अलग अलग थोड़ा सा सब टाइप बन जाते हैं स्पीशीज, ठीक ना। तो देखो एग्जाम्पल के तरह से देखो कि एंट के 20,000 स्पीशीज, यहाँ का नंबर उम्बर याद कर लेना ये वाले चैप्टर का। उसके बाद 3 लाख स्पीशीज ऑफ बीटल्स और 28,000 स्पीशीज ऑफ फिशेस, नियरली 20,000 स्पीशीज ऑफ ऑर्किड। तो क्या लिखा है इसमें, ग्रेटर द जेनेटिक डाइवर्सिटी अमंग द ऑर्गेनिज्म ऑफ स्पीशीज, मोर सस्टेनेंस इट हैज अगेंस्ट द एनवायरमेंटल डिस्टर्बेंस। तो मतलब कि जितना ज्यादा एक ऑर्गेनिज्म का स्पीशीज रहेगा ना, डाइवर्सिटी रहेंगे, उतने ज्यादा मतलब कि चांसेस है वो स्पीशीज को सर्वाइव करने का ना, कोई भी एनवायरमेंट कंडीशन हो तो उनमें से कोई का जो है फेवरेबल हो सर्वाइव करने, तो वो स्पीशीज क्या होगा, कंटिन्यू होगा, ठीक। तो हम लोग का जेनेटिक डाइवर्सिटी क्या है, क्रिएट्स डिफरेंट सब स्पीशीज वैरायटी ब्रीड और फॉर्म्स। मैंगो के डिफरेंट वैरायटीज रहते हैं, तो वो सब क्या है, वो सब किस में आएगा, जेनेटिक डाइवर्सिटी, जीन में कुछ चेंजेस हो गया है तो उसमें वैरायटी आ गया है, ठीक। पर एक ही स्पीशीज, फॉर एग्जांपल, एग्जांपल क्या है, इंडिया हैज मोर देन 50,000 जेनेटिकली डिफरेंट स्ट्रेन्स ऑफ राइस, इतने ज्यादा है 50,000 स्ट्रेन्स, पर वो राइस ही है ना, तो वो राइस में वैरायटी है, राइस के इतने ज्यादा वैरायटीज। और देखो 1,000 वराइटीज ऑफ मैंगो, ठीक, ये एक जेनेटिक वेरिएशन कौन शो किया है, रोबुल्फिया वोमिटोरिया, तो ये शो किया है, ये प्लांट है, ठीक। तो ना इसके डिफरेंट स्पीशीज वो जो केमिकल निकालेंगे ना उसका लिथालिटी अलग अलग रहेगा, उसका पोटेंसी अलग अलग रहेगा, ठीक। एक्टिव केमिकल कौन सा निकालते हैं, रिसेप्टाइन, कोई बहुत टाइट टाइप का निकालेगा, कोई कम, कोई ज्यादा, कोई बहुत लीथल रहेगा, तो अलग अलग वैरायटी अलग अलग ये केमिकल्स निकालेंगे, ठीक, एक ही टाइप कंसंट्रेशन अलग रहता है, ठीक। नेक्स्ट हम लोग का क्या है, स्पीशीज डाइवर्सिटी, ये हुआ अल्फा, ये स्पीशीज डाइवर्सिटी, बीटा भी बोलते हैं, बीटा डाइवर्सिटी, ठीक। इसमें क्या होता है, स्पीशीज लेवल का डाइवर्सिटी मेजर किया जाता है, वैरायटी ऑफ स्पीशीज एंड देयर रिलेटिव अबंडेंस विद इन ए रीजन, जैसे कि वेस्टर्न घाट में ज्यादा एम्फीबियन स्पीसीज रहते हैं देन की ईस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट कहाँ पे है, इंडिया का मैप देखिए, इंडिया का मैप दिखा दे, ये इसमें कुछ दिखा नहीं रहा, तुम लोग बताओगी, और ये वाला भी ले लेते हैं, अच्छा सब चीज स्टेट। अब बताओ इसमें कहाँ पे ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट रहेगा, घाट क्या होता है, माउंटेन रेंज, हिमालय, तो वहाँ पे कहाँ पे वेस्टर्न ईस्टर्न घाट, वो हिमालय बोले जाता है। मरिया, हाँ मैम, कहाँ पे ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट रहेगा, मैम अरबियन सी की तरफ वेस्टर्न रहेगा मैम, यस, यहाँ पे इस जगह हम लोग का क्या रहेगा, वेस्टर्न वाला, और इस जगह क्या रहेगा, ईस्ट, ईस्टर्न घाट, ठीक, हाँ
जगह का नाम यहाँ पे केरला रहता है, यहाँ पे तमिलनाडु है, ठीक, और क्या है, तमिलनाडु, केरला, और क्या क्या जगह है, वेस्टर्न घाट, ये कर्नाटका, ठीक, और तुम्हारा इसमें तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ये उड़ीसा, ये सब साइड का। चलो अब देखो, स्पीशीज रिचनेस ये क्या होता है, इट रेफर्स टू नंबर ऑफ स्पीशीज पर यूनिट एरिया। स्पीशीज रिचनेस क्या होता है, एक कितने स्पीशीज हैं एक यूनिट एरिया में। तो जैसे स्पीशीज इंक्रीज होता है, डाइवर्सिटी इंक्रीज होता है, स्पीशीज रिचनेस भी इंक्रीज होता है, हायर होता है, नंबर ऑफ स्पीशीज हायर होते हैं। समझ में आया ये वाला चीज, स्पीशीज रिचनेस क्या होता है, नंबर ऑफ स्पीशीज पर यूनिट एरिया, और स्पीशीज डाइवर्सिटी इंक्रीज हुआ तो मतलब कि हम लोग का स्पीशीज रिचनेस भी हायर हुआ। स्पीशीज इवेननेस, इट रेफर्स टू रिलेटिव अबंडेंस ऑफ स्पीशीज इन एन एरिया। नंबर ऑफ इंडिविजुअल एंड वैरायटी डिटरमाइंस द लेवल ऑफ डाइवर्सिटी ऑफ इकोसिस्टम। ये क्या कहते हैं, कितने हैं, इवन, इवननेस दिखाता है, ठीक, कितने हैं स्पीशीज एक एरिया, डाइवर्सिटी का लेवल बताता है, स्पीशीज इवननेस। और हम लोग का नेक्स्ट क्या है, इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी, हम लोग का अल्फा बीटा गामा। इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी क्या है, हम लोग का गामा है, गामा डाइवर्सिटी इसको बोलते हैं, ठीक। तो ये इकोसिस्टम लेवल है, ये वाला जीन के लेवल था, जेनेटिक लेवल था, जेनेटिक डाइवर्सिटी जेनेटिक लेवल, और हम लोग का स्पीशीज डाइवर्सिटी स्पीशीज लेवल, और हम लोग का इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी इकोसिस्टम लेवल। तो ये क्या है कि डिफरेंट इकोसिस्टम रहते हैं और उनमें अलग अलग डाइवर्सिटी रहती है। डेजर्ट में कैसा रहता है, डेजर्ट टाइप प्लांट रहते हैं, डेजर्ट टाइप एनिमल रहते हैं, ट्रॉपिक्स में ट्रॉपिक टाइप प्लांट रहते हैं, ट्रॉपिक टाइप एनिमल्स रहते हैं, तो वहां पे अलग अलग डाइवर्सिटी। तो ये कौन सा डाइवर्सिटी है, इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी, ठीक ना, अलग अलग। और जैसे कि इंडिया में, इंडिया हैज ग्रेटर डाइवर्सिटी देन स्कैंडिनेवियन कंट्रीज, एग्जाम्पल नॉर्वे। क्यों, क्योंकि इंडिया के पास अलग अलग क्या है, इकोसिस्टम और हैबिटेट है, रेन फॉरेस्ट भी रहता है, डेजर्ट भी रहता है, वेटलैंड भी रहता है, मैंग्रोव्स भी रहता है, ओशन, इंडियन ओशन के टाइप जगह में कोरल रीफ भी रहता है, अल्पाइन भी रहता है ऊपर मीडोस, मतलब कि हिमालयस में, तो अलग अलग टाइप के तुम हम लोग के पास इकोसिस्टम है, और इसमें ढेर सारे डाइवर्सिटी है, ठीक ना। तो हम इंडिया के पास ग्रेटर डाइवर्सिटी होगा देन की के कौन, नॉर्वे। नॉर्वे ऊपर रहता है, वो क्या कहते हैं, टेम्परेट रीजन, पोलर रीजन में रहता है, वहां पे ज्यादा टाइप के लैंडमार्क्स नहीं है, लैंडस्केप नहीं है, मतलब इकोसिस्टम नहीं है, तो वहां पे डाइवर्सिटी कम है, ठीक ना। मरिया एम, समझ में सना, चलो नेक्स्ट क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ डाइवर्सिटी। अब देखे जाए कहाँ कहाँ कितने 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 ज्यादा है स्पीशीज, एस्टिमेट किया जाता है टोटल, हम लोग अभी तक टोटल काउंट पूरा रिसर्च नहीं हुआ है ना, एस्टिमेट बस किए जाता है। तो अकॉर्डिंग टू ये इंटरनेशनल यूनियन, अकॉर्डिंग टू इनके इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर IUCN ना 2004 में बोले गया था क्या, कि प्लांट और एनिमल का स्पीशीज कितने हैं, मोर देन 1.5 मिलियन, और टैक्सोनॉमिक ग्रुप में वो देखे गया कि टेम्परेट में जो है ज्यादा कंप्लीट है, ज्यादा स्पीशीज को स्टडी कर दी गई है, ठीक, और ट्रॉपिकल कंट्रीज में पूरा स्टडी नहीं हुआ है, वैरायटीज इतना ज्यादा फॉरेस्ट है तो अंदर अंदर जाके अभी हुआ नहीं है कितने स्पीशीज है क्या है, ठीक, अलग अलग टाइप के स्पीशीज नया नया डिस्कवर होते रहता है। अज्यूमिंग दैट लार्ज नंबर ऑफ स्पीशीज इज अनडिस्कवर्ड इन ट्रॉपिक, अज्यूम किया जा रहा है कि अनडिस्कवर्ड है ट्रॉपिक में, बायोलॉजिस्ट मेक ए स्टैटिस्टिकल कंपैरिजन ऑफ टेम्परेट ट्रॉपिकल स्पीशीज रिचनेस ऑफ एक्सटेंसिवली स्टडीड ग्रुप ऑफ इंसेक्ट, एक्सट्रापोलेट दिस रेशियो टू अदर ग्रुप ऑफ एनिमल एंड प्लांट। तो ये लोग क्या कहते हैं, टेम्परेट का देख लिए, ट्रॉपिक्स का पूरा पता नहीं है, पूरा डिस्कवर नहीं हुआ, तो ये लोग क्या किए, कंपैरिजन किए और एस्टिमेट किए कितना रेशियो हो सकता है टोटली, ठीक। तो ग्रॉस एस्टिमेट क्या हुआ कि स्पीशीज ऑन अर्थ कितना है, 20 to 50 मिलियंस,
ना ये एस्टिमेट किए जा रहा है, और जो ये ए मोर कंजर्वेटिव एंड साइंटिफिक साउंड एस्टिमेट, ये तो बहुत ज्यादा ही लग रहा है ना, ये बहुत ही ज्यादा लग रहा है। तो ये जो रॉबर्ट मे ये थोड़ा सा नंबर जो कम किए हैं, ये कितना कंजर्वेटिव, ये 7 बिलियन बोले हैं, मिलियन सॉरी मिलियन। तो देखो हम लोग का IUCN कितना बोला था, 1.5 मिलियन, और हम लोग की जो साइंटिस्ट क्या कहते हैं टेम्परेट से रिलेट करके ट्रॉपिक का भी एस्टिमेट करके दोनों का एस्टिमेट करके क्या बोले 20 to 50 मिलियन, और हम लोग के जो ये साइंटिस्ट हैं रॉबर्ट में ये क्या बोले 7 मिलियन। और इसमें बोले जा रहा है 70% क्या है एनिमल्स हैं, और प्लांट जो है बस 22% से भी कम है, ठीक ना, नॉट मोर देन 22% से ज्यादा नहीं है, ठीक ना, ये टोटल में 22% से ज्यादा नहीं है प्लांट्स स्पीशीज, ठीक। इंसेक्ट जो है सबसे ज्यादा रिच, इंसेक्ट का जो स्पीशीज है ना बहुत ज्यादा है, ठीक, इंसेक्ट सबसे ज्यादा क्या है, इंसेक्ट है, उसके बाद क्या है अदर ग्रुप है, उसके बाद मोलक्स है, उसके बाद क्रस्टेशियन है, हम लोग 11th में पढ़े हैं ये सब चीज, ठीक ना। तो सबसे ज्यादा क्या है हम लोग का, इंसेक्ट, एनिमल किंगडम में भी इंसेक्ट है। और देखे जाए तो इंसेक्ट एवरी 10 एनिमल्स में 7 जो है इंसेक्ट रहेंगे, अगर हम लोग गिने 10 एनिमल को लिए तो पाया जाएगा 7 इंसेक्ट और 3 बस अलग अलग एनिमल, तो कितने ज्यादा हैं इंसेक्ट के स्पीशीज, ठीक। और अगर देखे जाए यहाँ पे वर्टेब्रेट्स में तो सबसे ज्यादा हम लोग का क्या पाया जा रहा है, फिश, उसके बाद क्या पाया जा रहा है बर्ड्स, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स और मैमल्स, ये क्या कहते हैं चार्ट से ही पता चल जा रहा है, ठीक ना। और ये देखो प्लांट्स में सबसे ज्यादा क्या पाया जा रहा है, फंगी और उसके बाद एंजियोस्पर्म, ठीक ना, ये फर्न्स, एल्गी, उसके बाद फर्न्स, और क्या है, क्या लिखा है, एलिस, हाँ एलिस उससे रिलेटेड, ठीक ना, एलिस मतलब की फ्रेंड्स, मॉस, ठीक ना, उसके बाद लाइकन, लाइकन बहुत कम है। तो नंबर ऑफ फंगी स्पीशीज इन वर्ल्ड इज मोर देन टोटल नंबर ऑफ फिशेस, तो ये बोले जा रहा है जो फंजाई स्पीशीज का नंबर ऑफ फंजाई वो मोर देन है, कितने फिशेस, एम्फीबियन, रेप्टाइल्स एंड मैमल्स, उतने ज्यादा है ना, समझ में आया है ना कि फंजाई स्पीशीज जो है ये हम लोग को जो दिख रहा था ना ये वाला, ये अगर रिलेट करेंगे तो ये फंगाई जो है ज्यादा है ये सबको मिला के। और उसके बाद बट बायोलॉजिस्ट आर स्टिल नॉट श्योर अबाउट डाइवर्सिटी ऑफ प्रोकैरियोट्स स्पीशीज लाइक प्रोटिस्ट, आर्किया, बैक्टीरिया। तो पर साइंटिस्ट लोग ये प्रोकैरियोट्स जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का है ना उसका डाइवर्सिटी अभी पूरा श्योर नहीं है, कितने हैं कितने एस्टिमेट नहीं है, क्यों, क्योंकि इसका सफिशियंट नहीं है, जैसे हम लोग काउंट करते हैं ना वैसे हम लोग ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म को वैसे काउंट नहीं कर सकते, अगर काउंट भी कर सकते हैं तो लेबोरेटरी में काउंट करेंगे, हर एक स्पीशीज को तो हम लेबोरेटरी में उगा नहीं सकते, मतलब कि रख नहीं सकते हैं, ठीक, तो नंबर काउंट भी नहीं हो सकता है। और अगर बैक्टीरिया का जो प्रोटिस्ट है ये सब लोग का जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का अगर हम लोग मॉलिकुलर लेवल में देखें कि ये इसमें कौन सा और इसमें कौन सा, अगर उससे हिसाब से अगर हम लोग डाइवर्सिटी देखें तो बहुत ज्यादा ही डाइवर्सिटी हो जाएगी, मिलियंस हो जाएगी, ठीक। नेक्स्ट हम लोग का पैटर्न्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी, पैटर्न्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी क्या है कि कहाँ पे ज्यादा है कहाँ पे कम है डाइवर्सिटी, कहाँ पे स्पीशीज लोग ज्यादा हैं, ऐसा नहीं कि अगर देखे जाए एक एरिया ले लो वहां पे देखो कि 2-3 स्पीशीज है, अगर वही तुम पूरा एक स्ट्रीट ले लो तो उनमें और ज्यादा स्पीशीज हो रहेंगे ना, ना? तो स्पीशीज जो है क्या कहते हैं बदलते जा रहे हैं ना, कहीं ज्यादा है कहीं कम है, तो ये पैटर्न ऑफ बायोडाइवर्सिटी यही बताएगा कि कहाँ पे ज्यादा हो सकता है स्पीशीज और कहाँ पे
कम हो सकता है। तो दो चीज से हम लोग स्पीशीज क्या कहते हैं जानते हैं, एक जो है लैटिट्यूडिनल ग्रेडियंट और एक दूसरा जो है स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप। ठीक, तो लैटिट्यूडिनल ग्रेडियंट क्या होता है हम लोग को ये जानना है, लैटिट्यूड क्या होता है, लॉन्गिट्यूड क्या होता है। लैटिट्यूड जो ऐसा ऐसा इमेजिनरी लाइन है, ठीक, इमेजिनरी लाइन है, हम लोग जियोग्राफी में पढ़े हैं, ठीक ना, जो ऐसे जाता है हॉरिजॉन्टल वे में जाता है, ठीक, इमेजिनरी लाइन अर्थ का। इक्वेटर में क्या रहता है कि इसका वैल्यू जो है जीरो होता है इक्वेटर में, लैटिट्यूड का वैल्यू, और हम लोग का लॉन्गिट्यूड जो है वर्टिकली जाता है, और प्राइम मेरिडियन में क्या रहता है वैल्यू जीरो रहता है। हम लोग का जो ये लैटिट्यूड है वो क्या बताता है, वेस्ट और ईस्ट, वो डिवाइड करता है किसको, वेस्ट और ईस्ट को, और हम लोग का लॉन्गिट्यूड नॉर्थ और साउथ को। ठीक, तो ये सब हो गया। तो हम लोग का वेरिएशन जैसे जैसे हम लोग जाएंगे स्पीशीज जो है बताएं, जैसे जैसे इक्वेटर से जैसे जैसे हम लोग पोल तक जाएंगे ना, तो स्पीशीज का जो रिचनेस है, स्पीशीज की डाइवर्सिटी क्या हो जाती है, कम होने लगती है। ठीक, जैसे जैसे हम लोग इक्वेटर से पोल में जाते हैं, साउथ पोल या नॉर्थ पोल जहां भी जाएं, इक्वेटर से हम लोग जाएं, अगर देखे जाए पोल में ना, जैसे जैसे जाएं तो वैसे वैसे क्या होगा, स्पीशीज जो डाइवर्सिटी है वो कम होते जाएगा। तो इसका एग्जांपल क्या देते हैं, कोलंबिया वो इक्वेटर के पास है, ठीक, नियर इक्वेटर है, तो उनमें पाया गया है कितना, कोलंबिया, ठीक, कोलंबिया जगह का नाम है, सिटी का नाम है, ठीक, तो इनमें पाया गया है, एक ही जगह का है, यूएसए का है, ठीक ना, स्पीशीज इतने स्पीशीज पाए गए हैं। और वही न्यूयॉर्क थोड़ा पोल के तरफ है लोकेटेड, इसमें पाया गया है 105 स्पीशीज बर्ड्स की। देखो इक्वेटर की तरफ ढेर सारी स्पीशीज पाए गया ना, और यहाँ पे क्या कहते हैं पोल की तरफ जाते गए तो क्या न्यूयॉर्क में कितना 105 स्पीशीज पाया गया। और एग्जांपल लो ग्रीनलैंड 56 बस है ना, ये पोल के तरफ जा रहा है ज्यादा, ग्रीनलैंड स्पीशीज बर्ड्स के, ठीक। और इंडिया कहाँ है, इक्वेटर के तरफ है ना, इंडिया यहाँ पे नहीं दिखा रहा है, यहाँ पे नहीं है, पर हाँ इंडिया जो है क्या होता है इक्वेटर के तरफ, इसी साइड है, मध्य प्रदेश से लाइन जाता है इक्वेटर का लाइन ना? तो यहाँ पे कितना स्पीशीज पाया जाता है, 1200 स्पीशीज ऑफ बर्ड्स। जो पोलर रीजन है वहां पे कम स्पीशीज पाया जा रहा है, जो इक्वेटर रीजन है वहां पे ज्यादा पाया जा रहा है, ठीक। और देखो बोला गया है, ए फॉरेस्ट इक्वल साइज इक्वल एरिया इन ट्रॉपिकल रीजन हैज 10 टाइम्स मोर स्पीशीज ऑफ वैस्कुलर प्लांट देन इन टेम्परेट रीजन लाइक मिड वेस्ट यूएसए। तो देखो ट्रॉपिकल रीजन में 10 टाइम्स ज्यादा स्पीसीज रहेंगे वैस्कुलर प्लांट के देन टेम्परेट रीजन। टेम्परेट रीजन क्या होता है, पोलर टाइप ना, उसका क्लाइमेटिक कंडीशन चेंज होते रहता है, ट्रॉपिक क्लाइमेटिक कंडीशन चेंज नहीं होता है। और ये देखो अमेजन रेन फॉरेस्ट जो है उसमें सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी रहता है, ये इसमें कितने हैं 40,000 स्पीशीज ऑफ प्लांट है, 3,000 स्पीशीज ऑफ फिशेस हैं, 1,300 स्पीशीज ऑफ बर्ड्स हैं, और 427 स्पीशीज ऑफ मैमल और एम्फीबियंस हैं, और क्या है 338 स्पीशीज ऑफ रेप्टाइल, और मोर देन 1,25,000 ऑफ इनवर्टिब्रेट्स, ने ज्यादा है 2 मिलियन स्पीशीज और डिस्कवर करने के लिए वेट किया जा रहा है, वेट कर रहे हैं साइंटिस्ट लोग, बहुत ज्यादा है, ठीक ना, रेन फॉरेस्ट में ज्यादा रहते हैं। तो अमेजन वाला जो है ग्रेटेस्ट बायोडाइवर्सिटी है। और नेक्स्ट रीजन क्यों जो है ट्रॉपिक्स में, क्यों इक्वेटर साइड में हम लोग का ज्यादा बायोडाइवर्सिटी होता है, तीन रीजन हो सकता है, ठीक। एक की स्पीशीएशन क्या होता है, स्पीशीज फॉर्मेशन ऑफ टाइम में, चलो क्या होता है, नया स्पीशीज का फॉर्म हो एक पर्टिकुलर रीजन में ना, अगर जगह कंडीशन सेम है ज्यादा ग्रेजुअल चेंज होता रहेगा, अगर
सडनली चेंज हुआ तो वो जितना भी चेंजेस हुआ है वो सब सब चीज चले जाएगा ना। तो ट्रॉपिक में ऐसा रहता है ना कि उनका जो रीजन है वो सेम रहता है, ठीक ना, अलग बगल मतलब कि ज्यादा ग्लेशिएशन नहीं होता है ना। जैसे कि पोलर रीजन में कैसा रहता है, आइस आ जाता है, उसके बाद आइस चले जाता है, आइस आ जाता है, आइस चले जाता है, तो वो ग्रेजुअल चेंजेस नहीं होती है, ठीक ना। तो स्पीशीज जो है वहां पे पैदा नहीं हो सकते, मतलब कि नया नया स्पीशीज फॉर्म नहीं होगा। स्पीशीज फॉर्म करने के लिए मिलियंस ऑफ ईयर्स चाहिए, और हम लोग का ट्रॉपिक्स में वैसा ही मतलब कि जो कंडीशन है एनवायरमेंट कंडीशन सेम रहता है, सेम टाइप रहता है, थोड़ा इधर उधर थोड़ा ज्यादा बारिश हो गई थोड़ा कम हो गई ये सब तो वो है, पर हाँ पर सेम रहता है ना, सेम टाइप रहता है। तो यहाँ पे स्पीशीज इसलिए यहाँ पे बायोडायवर्सिटी ज्यादा होगी, पहला एक रीजन। दूसरा रीजन ये है कि क्योंकि वही चीज सेम रहेगा, कॉन्स्टेंट टेम्परेचर रहेगा ट्रॉपिक में, तो जो वहां पे लोग जो रहने वाले हैं वहां पे क्या कहते हैं हैबिटेट अपना डेवलप कर लेंगे, फीडिंग हैबिट अपना डेवलप कर लेंगे, जिसको बोलते हैं नीश, मतलब कि यहाँ पे इस जगह हम फीड करेंगे, इस जगह हम ये खाएंगे, ठीक ना, तो तुम वहां खाओ ये खाओ ये खाओ, तो ऐसे जो है बांट लेते हैं ना। तो ज्यादा यहाँ पे क्या होता है कि चेंजेस नहीं होता है, ज्यादा ग्रेजुअल चेंज होती है, जैसे पोलर रीजन में वैसा नहीं होता है। तो इस वजह से क्या हुआ कि यहाँ पे स्पीशीज डाइवर्सिटी होती है, ज्यादा स्पीशीज रह रहे हैं ना। उसके बाद ये है कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या है कि ट्रॉपिक रीजन में सोलर आता है, सनलाइट आता है ना, तो वहां पे प्रोडक्शन जो है ज्यादा होता है, प्रोडक्टिविटी ज्यादा होता है, प्रोडक्टिविटी ज्यादा होता है तो ऑर्गेनिज्म को जो है फूड उड मिलेगा अच्छे से, जहां पे खाना होना सब कुछ मिलेगा वहीं पे ना लोग ज्यादा रहेंगे, कि तुम्हारे पोलर और ये नॉर्थ पोल साउथ पोल में रहेंगे नहीं ना। तो इस वजह से यहाँ पे ट्रॉपिक्स में ज्यादा बायोडाइवर्सिटी रहती है, ठीक, और रिसोर्स अवेलेबिलिटी, और यहाँ पे एक्सटेंशन लो होता है, एक्सटेंशन मतलब खत्म होना, टोटल एक्सटेंट खत्म, तो यहाँ ट्रॉपिक्स में कम होता है, ठीक, ये सब रीजन है। अब हम लोग का नेक्स्ट कैटेगरी क्या है, स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप। ये स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक। तो ये क्या है कि एक साइंटिस्ट थे, वो क्या किए, वो देखे ना, वो जर्मन साइंटिस्ट थे, ठीक ना, वो फॉरेस्ट में गए, देखे कि कुछ रीजन में देखे अच्छा इतना है डाइवर्सिटी, इतने स्पीशीज, और चलते गए चलते गए चलते गए, देखे कि अरे स्पीशीज जो है बढ़ती जा रही है ना, जितना एरिया बढ़ रहा है उतना स्पीशीज बढ़ रहे हैं, ये देखे, ठीक ना। तो स्पीशीज जो है प्रोपोर्शनल टू एरिया, ये देख, और उसके बाद देखें कि लिमिट, अप टू लिमिट, एक लिमिट हो गया उसके बाद वो रुक गया, स्पीशीज बढ़ी नहीं, एरिया बढ़ रहा है, स्पीशीज कांस्टेंट हो जा रहे हैं, ठीक, तो अप टू अ लिमिट। तो यही वाला ऐसे ऐसे गए 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 गए, जैसे देखो ये एरिया है और ये स्पीशीज है, ठीक, तो देखो यहाँ पे एक दो तीन मीटर चार पांच छह सात ऐसे कर लो, ठीक ना, एरिया है, जैसे जैसे जाते जा रहे हैं एरिया वैसे वैसे स्पीशीज एक दो तीन चार नंबर इंक्रीज होते जा रहे, इंक्रीज देखो इंक्रीज हुआ, उसके बाद यहाँ पे देखो कांस्टेंट हो गया, एरिया बढ़ रहा है, स्पीशीज जो है वहीं का वहीं अटका हुआ, ठीक। तो यही चीज है तुम्हारा स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप। तो ये फॉर्मूला दिए एस इज इक्वल टू सी ए सेट, ठीक, तुम्हारा जो S है वो क्या है, स्पीशीज रिचनेस है, ठीक, C क्या है Y इंटरसेप्ट है, और A तो एरिया, Z स्लोप इम्पोर्टेंट, ठीक। तो हम लोग को स्पीशीज और एरिया हम लोग को पता चल गया क्या क्या चीज है, ठीक। अब ये कैसा है हम लोग को देख रहा है, हाइपरबोल, रेक्टेंगुलर हाइपरबोल, ठीक, ये इसमें ना? और ये यही चीज को अगर लॉग के टर्म्स में करेंगे तो हम लोग को स्ट्रेट लाइन मिल गया, ठीक, यही चीज है, जैसे सेंटीमीटर को सेंटीमीटर से करते हैं ना मेजर, तो वैसे ही हम लोग का ये भी है कि देखो ये लॉग लॉग से किए जाते हैं,
ये हम लोग का ऐसे ही है नॉर्मल मेथड और ये लॉग। अगर यहाँ पे देखो ये 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 आया है इक्वेशन एस इज इक्वल टू सी ए अगर जेड, ठीक, तो एक चीज लॉग का रहता है, ठीक ना, अगर लॉग डालते हैं तो log s हो गया, ये इज इक्वल टू क्या होगा, अगर मल्टीप्लीकेशन है, अगर मल्टीप्लीकेशन टाइप है तो क्या हो जाएगा, log में प्लस हो जाएगा, तो log c हो गया प्लस। और यहाँ पे देखो ऊपर z है, ठीक ना, अगर ऊपर पावर है तो वो क्या हो जाता है, मल्टीप्लीकेशन से आगे होके z यहाँ पे होके उसके बाद log a, log a मल्टीप्लीकेशन हो जाता है, अगर पावर है तो मल्टीप्लीकेशन रहता है। टू रूल्स ये याद कर लो कि क्या कहते हैं, अगर log आ गया तो सारे जगह log डालना है ना, log से करना होगा, तो log s यहाँ पे देखो मल्टीप्लीकेशन है तो प्लस हो गया, log a, z है पावर है तो मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, z यहाँ पे आ जाएगा, z log a, यही हम लोग का इक्वेशन आ गया, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन आ गया, y is equal to m, हाँ mx plus c, ये c है ये mx, ठीक। तो अब ये इंटरसेप्ट क्या होता है, y इंटरसेप्ट ये है, ये एरिया हो गया, ये स्पीशीज रिचनेस हो गया, ठीक, ये y है और ये x है, ऐसे ऐसे ठीक ना, तो ये क्या है, जहां पे ये स्लोप y पे आ रहा है ना उसी को बोलते हैं इंटरसेप्ट, जीरो एरिया में स्टार्ट हो रहा है, या ये क्या है हम लोग का इंटरसेप्ट, यहाँ पे ये इंटरसेप्ट। और हम लोग का स्लोप क्या होता है, ये है स्लोप, देखो ये एक तो सोचो ये ए है ये बी है, इसमें देखो इसका थीटा ज्यादा है कि इसका थीटा, इतने ही एरिया में, जीरो एरिया में, इतने ही एरिया में हम लोग का डाइवर्सिटी ज्यादा है ना, तो जितना ज्यादा स्लोप होगा उतना ज्यादा डाइवर्सिटी हो, ठीक, स्टीपर मतलब ज्यादा स्टीपर स्लोप जो है ज्यादा डाइवर्सिटी देंगे, ठीक। और ये वाला देखो यहाँ पे ऐसे भी थीटा से भी कर सकती हो और तुम लोग ऐसे भी कर सकती हो, इसका ज्यादा है कि इसका ज्यादा है, इसका एरिया ज्यादा है कि इसका एरिया ज्यादा है ना, ये वाला ज्यादा एरिया है इन कंपेरिजन टू ये वाला एरिया ज्यादा है ना, ए वाले का ज्यादा है बी वाले का कम है, तो स्टीपर स्लोप जो है ए है ना, लेस स्टीप स्लोप जो है बी है, जितना वैल्यू जेड का ज्यादा होगा उतना ज्यादा डाइवर्सिटी होंगे, ठीक, यही हम लोग का इक्वेशन दिखाता है, यही सब है। तो देखो द वैल्यू ऑफ जेड इतना रहता है कहाँ पे, प्लांट में या रिगार्डलेस ऑफ ग्रुप, कोई भी ग्रुप, प्लांट में या तो फिर बर्ड या तो फिर मॉलक्स, तो इतना ही रहेगा। अगर हम लोग स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप लेंगे लार्ज एरिया के लिए, कॉन्टिनेंट के लिए, तो वो और ज्यादा वैल्यू होगा, स्टीपर स्लोप मिलेंगे हम लोग को, ठीक। और फॉर बर्ड्स एंड मैमल्स इन ट्रॉपिकल फॉरेस्ट ऑफ डिफरेंट कॉन्टिनेंट, कॉन्टिनेंट का देखोगे तो कितना स्लोप मिल रहा है, और स्टीपर मिल, ठीक, कम जगह है तो देखो कम स्लोप मिला है, थोड़ा सा जगह हम लोग ज्यादा लिए हैं, कॉन्टिनेंट लिए हैं तो स्लोप जो है और ज्यादा मिला है ना, 0.6 हो गया, 0.1 0.2 से 0.6 1.2 हो गया है। अब देखो अगर हम लोग कॉन्टिनेंट ले रहे हैं, डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स ले रहे हैं तो 1.15 हो गया है और ज्यादा, ठीक। ये डेविड टिलमैन क्या बोले थे, इकोलॉजिस्ट बिलीव दैट कम्युनिटीज विद मोर स्पीशीज टेंड टू बी मोर स्टेबल देन विद लेस स्पीशीज। तो डेविड टिलमैन क्या बोले कि जहां पे ज्यादा स्पीशीज हैं वहां पे मोर स्टेबल है, ठीक, वहां पे लोग बहुत ज्यादा अच्छे से हैं, कम स्पीशीज है तो वो जो हैबिटेट है वो लेस स्टेबल है, ठीक। क्या बोले हैं, मोर स्पीशीज डाइवर्स कम्युनिटी शो ऑलमोस्ट कॉन्स्टेंट प्रोडक्टिविटी इन टोटल बायोमास ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट टू हायर प्रोडक्टिविटी। अगर हम लोग देखेंगे ढेर सारा ग्रास लैंड का जगह है एक जगह, और एक जगह देखेंगे कि फंगाई है,
ग्रास है, ट्री है, श्रब है और अलग अलग चीज, तो किसमें जो है बायो प्रोडक्टिविटी ज्यादा है? तो ये बोले कि प्रोडक्टिविटी ये वाले में ज्यादा है, अगर कुछ हुआ और इसको पूरा खत्म कर देंगे तो क्या होगा? कोई और स्पीशीज तो इसमें है नहीं ना, तो हम लोग मैनेज नहीं कर पाएंगे। इसमें एक चीज को खत्म करेंगे दूसरा तीन तो इसको है ना, तो मैनेज कर पाएंगे। तो स्पीशीज जहाँ पे ज्यादा है तो वहां पे प्रोडक्टिविटी ज्यादा रहेगी। ठीक, तो यही जो है हम लोग का ड्राविड टिलमैन बोले। इतने तक तो हम लोग को समझ में आया मरियम? हाँ मैम। चलो, तो क्या क्या स्टेबल कम्युनिटी शो करती है? इट डज नॉट शो टू मच वेरिएशन इन ईयर टू ईयर प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी जो आए ना ईयर टू ईयर, जितना हम लोग का प्रोडक्टिविटी निकल रहा है वो उसमें कुछ वेरिएशन ज्यादा नहीं रहता है, कांस्टेंट रहता है, जितना एवरेज कहते हैं। ठीक, जितना नहीं। और उसके बाद इट मस्ट बी ईदर रेसिस्टेंट और रेसिलिएंट टू ओकेशनल डिस्टर्बेंस। तो ऐसा स्टेबल कम्युनिटी कैसा रहता है कि कोई डिस्टर्बेंस आया, छोटा मोटा डिस्टर्बेंस, तो वो अपना स्टेबल रहे न? फिर से अपना कुछ करके, ये यहाँ पे देखो ये स्टेबल थी ना, दूसरा काम करने लगी, दूसरे उसका काम करने लगी, तो हो गया स्टेबल। ठीक, तो वो स्टेबल रेसिस्टेंट रहना चाहिए कोई भी डिस्टर्बेंस से, स्टेबल कम्युनिटी। इट मस्ट बी रेसिस्टेंट टू इन्वेशन बाय एलियन स्पीशीज। एलियन स्पीशीज क्या होते हैं? जो उस जगह में नहीं पाए जाते, कहीं और से लेके यहाँ पे आ जाते हैं, उस जगह में आ जाते हैं, तो उसको बोलते हैं एलियन स्पीशीज। तो उनसे भी ये वो क्या कहते हैं, वो बायोडाइवर्सिटी जो कम्युनिटी है वो रेसिस्टेंट रहे। इम्पोर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी फॉर सर्वाइवल ऑफ स्पीशीज कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय रिग्रेट प्रॉपर हाइपोथेसिस। तो ये पॉल इनरिच ये क्या किए हैं, रिवर पॉपर हाइपोथेसिस दिए हैं। तो ये बोले है ना कि हम लोग का जो इकोसिस्टम है वो एक एरोप्लेन, तो एरोप्लेन किससे बना है, ये जो क्या कहते हैं इसको रिवलेट बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं, स्क्रू टाइप जो रहता है, डाल के ठक 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 डाल के जो है बनता है। हाँ कील, हाँ कील, कील। तो कील, ये अलग अलग वैरायटी का कील हम डाल दिए। तो जो क्या कहते हैं एरोप्लेन है, एरोप्लेन किससे बना हुआ है, कील से बना हुआ है, ज्वाइन करके उसका पार्ट आउट जोड़े गए कील। तो क्या बोले जा रहा, अगर हम लोग, और जो हम लोग का कील है वो क्या है, स्पीशीज है। जो कील है बहुत ज्यादा कील से बना है, वो एक कील हटाएंगे तो कुछ होगा, दो तीन चार पांच हटाएंगे कुछ नहीं होगा, अगर ज्यादा ही हटा देंगे तो क्या होगा, अनस्टेबल हो जाएगा हम लोग का एरोप्लेन। और अगर हम लोग का जो कील है विंग साइड है, मतलब कि जो हम लोग का एरोप्लेन का जो विंग रहता है उस साइड का हम लोग कील हटा दिए तो क्या होगा, और ज्यादा इफेक्ट होगा। तो मतलब कि यहाँ पे विंग साइड के जो कील थे वो क्या थे, की स्टोन थे, वो इम्पोर्टेंट स्पीशीज थे। अगर इम्पोर्टेंट स्पीशीज को हटा दे रहे हैं एक दो चार, तो क्या होगा, इकोसिस्टम जो है हाँ बिगड़ जाएगा। अगर कम कम को हटा रहे हैं, ढेर सारा हटा दिए कम जो इम्पोर्टेंट स्पीशीज नहीं है, उस वक्त भी क्या कहते हैं स्टेबल नहीं होगा। अगर जो की स्टोन है स्पीशीज है, जो इम्पोर्टेंट स्पीशीज है उनको भी हटा दिए तो भी जो है क्या होगा, स्पीशीज स्टेबल नहीं होगी, हम लोग स्पीशीज जो है रह नहीं सके, मतलब की इकोसिस्टम रह नहीं सकेगा। ठीक, तो यही बोल रहा है, यही सब है। लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, तो बायोडाइवर्सिटी जो है, जो स्पीशीज वेरिएशन है, ये सब कम होते जा रहे हैं ना, किसकी वजह से, हम लोग के, मोस्टली हम लोग ही हैं। तो ह्यूमन जो है कितना है, मोर देन 200 नेटिव बर्ड स्पीशीज, जगह जाके अलग अलग, नेटिव मतलब की लोकल स्पीशीज जो है ह्यूमंस लोग खत्म कर दिए, एक्सटिंक्ट टोटल। तो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्स कब फाउंडेड हुआ था, 1948 में। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, स्विट्जरलैंड में। तो ये क्या करता है, कंजर्वेशन के फील्ड में काम करता है ये वाला ऑर्गेनाइजेशन। ठीक, ये बनाता है लिस्ट IUCN, कौन जो है ज्यादा क्या कहते हैं थ्रेटन्ड है, कौन लीस्ट कंसर्न है, कौन इंडेंजर्ड है, कौन वल्नरेबल है, ये सबका लिस्ट बनाता है। जो क्या कहते हैं इंडेंजर्ड वाले रहते हैं वो क्या है कि वो लोग
एक दो बस है अब खत्म हो जाएंगे, तो उसको और अच्छे से कंजर्व किया जाता है। एक्सटिंक्ट मतलब खत्म हो गए, लीस्ट कंसर्न मतलब कि हाँ ढेर सारे हैं जो, तो ऐसे ऐसे सारे चीज का जो है लिस्ट बनाया जाता है। 1963 में ये लिस्ट बनाया गया था, इनिशिएट किया गया था पूरा लिस्ट जो है 2004 में। इसमें कितना एक्सटिंक्शन हुआ था, इतने स्पीशीज 784 स्पीशीज जो है एक्सटिंक्ट हुए थे उसमें दिखा हुआ है, ठीक। 338 वर्टेब्रेट्स और 359 इनवर्टेब्रेट्स और 87 प्लांट्स इन लास्ट 500 ईयर्स, ठीक। इन लास्ट 500 ईयर्स इतने स्पीशीज खत्म हो गए, एक्सटिंक्ट हो गए। तो इंडिया के कितने हैं, 132 प्लांट्स और एनिमल स्पीशीज। तो रीसेंट एक्सटेंशन का एग्जांपल क्या है, डोडो मार्थरिस। तो ये यहाँ पे पाया जाता है ना, ये वाला जगह डोडो बर्ड। तो ये अब ये डोडो है, हाँ, इसको मार मार के खा खा के खत्म कर दिए वहाँ के लोग, वहां पे आए देखें। अच्छा है ये वाला जो है ना, ये देखो इसका ये फ्लाई नहीं करता है ना अपना, अच्छे धीरे धीरे चलता है, लोग पकड़ा गए खत्म हो गए। सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, इस वजह से सरवाइव नहीं किया, एनवायरमेंट चेंज हुआ और सरवाइव नहीं कर पाया। और ये देखो क्वागा, ये अफ्रीका में पाया जाता है, ये बताए जीब्रा टाइप है पर पूरा स्ट्रिप नहीं है इसका, ये भी एक्सटेंट हो गया, एक्सटेंट जीब्रा। और उसके बाद थाइलासाइन ये है, ठीक ना, तास्मेनियन वुल्फ या टाइगर इसी को बोलते हैं, तो ये भी एक्सटेंट है ऑस्ट्रेलिया। और ये स्टीलर सी काउ रशिया का, ये भी एक्सटेंट, इसको लोग हंट कर फूड के लिए। इसका नाम, इसका मुंह वैसे ही ना वाटर में रहती है, बहुत स्लो चलती है, चलती थी, अब तो खत्म हो गई। पकड़ने के लिए इजी था, बड़ी बड़ी रहती थी पूरा ढेर सारा गोश्त। एंड 3 सब स्पीशीज ऑफ टाइगर, टाइगर का सब स्पीशीज कौन सा, बाली जवन और कैस्पियन, ये सब भी एक्सटिंक्ट हैं, इम्पोर्टेंट है ये सब एक्सटिंक्ट। नेक्स्ट, अबाउट 27 स्पीशीज डिसअपीयर इन लास्ट 20 इयर्स इन द वर्ल्ड विद मोर देन 15,500 स्पीशीज आर इनडेंजर्ड। तो अभी इनडेंजर में है, इनडेंजर मतलब कि बहुत ज्यादा है ना इंडेंजर, आप खत्म होने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, इनको कंजर्व करना चाहिए। प्रेजेंटली 129% ऑफ बर्ड स्पीशीज, 23 ऑफ ऑल मैमल्स और 32% ऑफ एम्फीबियन स्पीशीज एंड 31% ऑफ ऑल जिम्नोस्पर्म्स आर फेसिंग एक्सटिंक्शन। और विद एम्फीबियन विच आर मोर वल्नरेबल टू एक्सटिंक्शन, एम्फीबियन ज्यादा है वर्नेबल। इंडेंजर स्पीशीज आर दो स्पीशीज विच आर फेसिंग ए हाई रिस्क ऑफ एक्सटेंशन, ठीक, इन द नियर फ्यूचर ड्यू टू डिक्रीज इन इट्स हैबिटेट, एक्सेसिव प्रेडेशन एंड आर पोचिंग। प्रेडेशन भी हो सकता है, पोचिंग भी हो सकता है, पोचिंग मतलब हंटर्स लोग जो है हाइड होल्ड के लिए मार देते हैं, हैबिटेट भी लॉस उसके लिए भी, उससे भी हो सकता है। सम इंडेंजर स्पीशीज आर इंडेंजर स्पीशीज, अब बोल रहे हैं मतलब कि ये खत्म नहीं हुए अभी हैं। एशियाटिक लॉयन है, बंगाल टाइगर है, लॉयन टेल्ड मकाओ, ये देखो ये हम लोग का लॉयन टेल्ड मकाओ है, और नीलगिरी लंगूर, ये नीलगिरी लंगूर इसका जो पूरा व्हाइट ना, और इसका जो यहाँ पे बस है। और गंगा रिवर डॉल्फिन, ये भी जो क्या है इंडेंजर है स्पीशीज, इंडेंजर स्पीशीज का नाम नहीं एक्सटिंक्ट, जो मर गए हैं अब नहीं है, एक भी नहीं पाया गया। इंडेंजर मतलब कि हैं पर नंबर उनके बहुत कम हैं, थोड़े दिन में वो भी क्या हो जाएंगे, एक्सटिंक्ट हो सकते हैं, ठीक। चलो अब कल पढ़ाते हैं एक्सटेंशन इन बायोडायवर्सिटी, यहाँ से शुरू करते हैं। कुछ इसमें डाउट है मरियम? हाँ मैम। हाँ कोई डाउट है? नहीं मैम। ओके चलो रखते हैं, थैंक यू मैम, थैंक यू, बाय बाय।